नमस्कार आदाब नाजरीन, हमारे चैनल नूरानी खबरें में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो चलिए नजर डालते हैं हमारी आज की खास पेशकश पर। हजरत बू अली शाह कलंदर की दरगाह, जहां तालों में कैद है मन्नतें। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दरगाह की जो दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर पानीपत हरियाणा में स्थित है, जिसे हजरत बू अली शाह कलंदर की दरगाह के नाम से जानते हैं, जहां तालों में कैद होती है मन्नतें। गालिब ने अपनी इस शायरी में ताले के खुलने को जुदा होने से जोड़ा है, लेकिन ताला खुलने का मतलब मुराद वाले का मुराद से मिलाप होना है। पानीपत में एक ऐसी दरगाह स्थित है जहां ताले लगाकर मन्नतें मांगी जाती हैं। यह दरगाह 700 साल पुरानी है। भारत, पाकिस्तान व अन्य क्षेत्रों से हजरत बू अली शाह कलंदर की 1200 के तकरीब दरगाहें हैं। पानीपत की मुख्य दरगाह ही एक ऐसी दरगाह है जहां मन्नत के ताले लगाए जाते हैं। इस दरगाह को अलाउद्दीन खिलजी के बेटों खिजरी खान और शादी खान ने बनवाया था। कलंदर शाह का असली नाम शेख शरफुद्दीन था। उनके पिता शेख फखरुद्दीन अपने समय के एक बहुत बड़े आलिम थे। कलंदर शाह 1190 ईस्वी में पैदा हुए और 122 साल की उम्र में 1312 ईस्वी में पर्दा कर गए थे। कलंदर शाह के जीवन के शुरुआत के 20 साल दिल्ली के कुतुब मीनार के पास हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहाँ गुजारे। उसके बाद वे पानीपत आ गए। कुछ लोगों का मानना है कि वे इराक से आए थे और पानीपत में ही बस गए। उनके नाम के साथ कलंदर जोड़ दिया गया, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो दिव्य आनंद में इतनी गहराई तक डूब चुका हो, लेकिन अपनी सांसारिक संपत्ति और यहाँ तक कि अपनी मौजूदगी के बारे में भी परवाह नहीं करता हो। उन्होंने पारसी काव्य संग्रह भी लिखा था, जिसका नाम दीवाने हजरत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर है। कलंदर शाह की दरगाह पर बड़ी संख्या में लोग मन्नत मांगने आते हैं। मन्नत मांगने वाले लोग दरगाह के बगल में एक ताला लगा जाते हैं। कई बार इस ताले के साथ लोग खत लिखकर भी अपनी मुरादें मांगते हैं। दरगाह के बगल में हजारों ताले लगे देखे जा सकते हैं। वैसे कलंदर शाह की दरगाह पर रोज श्रद्धालु उमड़ते हैं, पर हर गुरुवार को दरगाह पर अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ती है। कलंदर शाह का यह मकबरा पानीपत में कलंदर चौक पर स्थित है, जो उन्हीं के नाम से है। इस मकबरे के मेन गेट के दाहिनी तरफ प्रसिद्ध उर्दू शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हानी पानीपति का कब्र भी है। सभी समुदायों के लोग हर गुरुवार को प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। जो भी इस दरगाह पे आया, कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का ही क्यों ना हो। गुलशन मल्होत्रा जी, क्या काम करते हैं यहाँ पे आप? मेरा मैट का काम है, यहाँ सेवा करते हैं, जूतों की सेवा करते हैं, फ्री सेवा 10-15 सालों से। 10-15 सालों से यहाँ पे आप सेवा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कितनी मान्यता है यहाँ के दरगाह पे, और यहाँ पे जितने मुस्लिम लोग आते हैं उससे कहीं ज्यादा गैर मुस्लिम लोग यहाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। इसमें बहुत से बाहर से जायरीन आते हैं, मेहमान आते हैं, मोमडन भी आते हैं, हिंदू भी। आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ हिंदू की संख्या ज़्यादा होगी आज के दिन में। बृहस्पतिवार का दिन है, वीरवार को बहुत पब्लिक आती है यहाँ पे। कई दफ़ा पैर रखने की जगह नहीं होती, स्टॉल हमारे वहाँ तक लग जाते हैं जूतों के। अच्छा, ये और क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे ताले भी लगाते हैं, ताले वाली दरगाह भी? हाँ हाँ, यहाँ मन्नत होती है, कोई ताले लगाते हैं ऑटोमेटिक खुल जाता है ताला। जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो अपना जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार लंगर वगैरह बांटते हैं। मेरा जी अमरजीत सिंह है। हाँ जी, अमरजीत सिंह। अमरजीत जी, यहाँ पे क्या सेवा देते हैं जी? हम जोड़े की सेवा करते हैं। जोड़े की सेवा, कितने साल से आप? मेरे को ये साल अभी हुआ है।
एक साल से करूँगा। एक साल से कर रहे हैं। हाँ जी, मैं वीरवार के वीरवार आता हूँ। क्या श्रद्धा है, कब से, किस वजह से आप जुड़े, इसके पीछे क्या? सर, श्रद्धा का ये है, सेवा जहाँ मर्जी कर लो, ठीक है, तो सेवा में कोई नहीं देखा जाता क्या मंदिर है, क्या मस्जिद है, क्या गुरुद्वारा है, ठीक है। तो हमें वीरवार यहाँ आके अपने मन को सुकून मिलता है, ठीक है। दो घंटे, चार घंटे, जितने भी टाइम हम फ्री होते हैं यहाँ हम आकर सेवा करते हैं। चलिए, तो फिर आज हम बात करते हैं और जानते हैं हजरत बू अली शाह कलंदर की दरगाह के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। मैं आला सूफी सैयद एजाज अहमद हाशमी कलंदरी, दरगाह हजरत शाह शरफुद्दीन अल मारूफ बू अली शाह कलंदर नौमानी पानीपति रज़ी अल्लाह ताला का सदर खादिम बोल रहा हूँ। देखिएगा, हजरत बू अली शाह कलंदर के वालिद वालदा इराक से तशरीफ़ लाए थे। इनकी पैदाइश यानी इनका जन्म पानीपत का ही है, दरगाह के इस साइड पर। यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये 40 साल सुप्रीम कोर्ट जज रहे। सुप्रीम कोर्ट जब दिल्ली में कुतुब मीनार पे हुआ करते, आपके बड़े बड़े अहम फैसले आज भी इनकी लॉ की किताबें, काजी सनोल्ला पानीपति और आपकी मिस इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्किया में पढ़ाई जाती है लॉ के अंदर। वहाँ से एक फ़कीर ने कहा कि अब तुम कब तक ये लोगों की सेवा करो, लोगों की खिदमत में आओ, ये फैसला करना बंद। वहाँ से ये सब कुछ छोड़कर पानीपत आ गए और यहाँ अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला, मैं इतनी इबादत करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं हाथ उठा के दुआ करूँ, मेरी दुआ कबूल हो जाए। उसी दौरान इनको दो बीमारी हो गई, एक पेशाब की, एक पेशिश की। तो यहाँ से 70 किलोमीटर गुड्डा खेड़ा है, उसके जंगल में जाके जमुना में खड़ा होगा, कहा कि आप बीमारी पैदा कर कौन सी कर सकते, पानी में आदमी पवित्र है, खड़ा रहा। तो आपने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला, मतलब ये कायनात जो बनाई तूने अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के लिए बनाई, और आपने सब कुछ उनको अता कर दिया, उन्होंने सब कुछ अता कर दिया हज़रत अली शेर खुदा को। अब तेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मुझे कुछ देना है, कुछ बनाना है, तो मुझे अली बना दो। अल्लाह ताला ने कहा अली नहीं तो नहीं बनाता, जो किसी एक को एक जो चीज़ दे दी वो दूसरे को नहीं दे सकता। आप 36 साल पानी में खड़े रहे तो अल्लाह ताला ने इनकी इबादत को कबूल करा कि मैं तुम्हें अली तो नहीं बना सकता, अली की बू अता कर सकता। आज से लोग आपको शाह शरफुद्दीन अल्फ मारूफ बू अली शाह कलंदर के नाम से पुकारें। हयात ज़िंदगी में पर्दा करने के बाद यानी शरीर छोड़ने के बाद कोई भी खलूस दिल से जायज़ तमन्ना लेके कोई भी आदमी आएगा, उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो आपने कहा अल्लाह ताला, ये औरतें भी तो आपकी बनाई हुई मखलूक है, ये अपने दुख दर्द किससे कहें कि मैं जब तक पानी से नहीं आऊँगा जब तक कि औरतों के को आप एक अच्छा बड़ा मुकाम नहीं देंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा, हमने आपकी ये भी दुआ कबूल करी, क्योंकि उस टाइम लड़की पैदा होते उसको कत्ल कर दिया करते थे या जिंदा दाफ कर दें। हिंदुओं में किसी का पति मर जाता उसकी वाइफ को भी जलाते थे, औरतें बाजार में बिका करती थी और डॉक्टर के हकीम वैद्य के नहीं जा सकती, धागा या कपड़ा जाता था। फिर आपने अल्लाह ताला कहा माँ अपने औलाद के लिए, बीवी अपने शौहर के लिए, बहन अपने भाई के लिए सच्चे दिल से जो भी अरदास या दुआ लेके आएगी ज़िंदगी में पर्दा करने के बाद वो घर जाने से पहले तो आपको बख्श हिंद का खिताब है। ख्वाजा गई नमाज हिंद वली, ये बख्श हिंद, वो अताए रसूल है, ये अताए अली हैं। तो वहीं पर ही आपने बुड्ढा खेड़े में जहाँ पर अल्लाह ताला से गुफ्तगू हुई, हज़रत अली शेरे के दीदार हुए हुजूर सरकार से, वहीं आपने पर्दा किया। पर्दा जो हुआ, कुछ लोग कहते 6 रमज़ान मुबारक को, मगर लोगों के नॉलेज में जो आई वो 8 रमज़ान को खबर आई कि हज़रत पर्दा कर गए। वहाँ से लोग पानीपत आए, यहाँ से कुछ जो यहाँ के बुज़ुर्ग लोग हस्तियाँ थी वो यहाँ से करनाल गए, करनाल से फिर बुड्ढा खेड़े। तो वहाँ पर करनाल के भी लोग मौजूद थे, पानीपत के भी, बुड्ढा खेड़े के। तो बुड्ढा खेड़े के लोगों ने कहा हज़रत ने यहीं इबादत करी थी और यहीं आपकी दुआ कबूल हो, यहीं पर लिहाजा हम इनको यहीं मदफ़ून करेंगे। तो पानीपत के लोगों ने कहा हज़रत ने अपनी आरामगाह अपने हालात ज़िंदगी में बना रखी, उनके लाडले हज़रत मुबारक अली शाह वहाँ मदफ़ूम है। करनाल वालों ने कहा कि हज़रत ने हमारे यहाँ जगह खरीदी और वसीयत करी थी कि जब मेरा पर्दा करूँ तो मुझे यहाँ रखना। तीनों में
بھیسم باسی ہو، یہ کہا کہ جس میں طاقت ہو لے جائے۔ پھر ایک درویش آیا، کہا کہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا، تین دن ہو گئے۔ بولے کہ ایسے سے کہ اچھا تینوں چرپائی اندر رکھ دو جھوپڑی میں۔ تینوں نے اپنی چرپائی جھوپڑی میں رکھ دی۔ انہوں نے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر بولا جاؤ اپنی چرپائی بھال لیا ہو۔ تو وہاں جب گئے تو تینوں چرپائی میں سفید چادر پڑی تھی۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ہم بھال لے کے جائیں گے، لوگ کہیں گے چہرہ مبارک دکھا، تو ہم کیا جواب؟ بولا ابھی یہیں دیکھ لو، تینوں نے چادر اٹھائی، تینوں پر موجود تھے۔ تو کرنال والے نے کرنال لے گئے، بڈھا کھیڑے والے پانی پت۔ یہ شریعت کا دربار ہے، کرنال طریقت کا ہے، بڈھا کھیڑے۔ ایسا ہے کہ دیکھیے گا، یہ بزرگ فقیروں کی جہاں جہاں آستانے ہیں وہاں دھرم کی کوئی بات نہیں ہوتی، وہاں انسانیت کی بات ہوتی۔ کوئی بھی آئے، فقیر چاہے ظاہری ہے یا پردہ کر چکا ہے، اس کے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اس لیے کہ آپ نے جو عبادت کری وہ اللہ کے مخلوق کے لیے کری، تو اس لیے یہاں پر یہ کسوٹی کے کھمبے لگے ہوئے ہیں۔ جو سنار کے پاس پتھری ہوتی ہے، سنار جب تک پرکھ نہیں لیتا، یہ انسان کی پرکھ کے لیے لگی کہ انسان اندر جانے سے پہلے سوچے کہ میں کیا ہوں، مجھے کیا مانگنا چاہیے۔ ہم نے فقیری ملتی بھی دیکھی اور چھنتی بھی دی، ہنستا ہوا جا رہا، روتا ہوا آ رہا، روتا ہوا جا رہا، ہنستا بھی آ جا رہا۔ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ کا ایک آرڈر بھی ہے اس طرح کا کہ کوئی بھی یہاں پہ آیا تو جس کے اوپر جو مہر لگ گئی وہ لگ گئی۔ یہ فقیر، ہاں خواجہ کا، یہ فقیر کا، یہ فقیری در ہے۔ اجمیر شریف جو ہے وہ صوفیوں کا در ہے، فقیر تنہائی پسند کرتا ہے اور جو بھی آتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے اپنا مفاد۔ اور وہاں پر صوفیوں کا در ہے تو ہر سلسلے کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے طریقے ہیں۔ یا ایک ہی طریقہ ہے، آؤ اندر اپنی دعا مانگو اپنا آپ، یا وہ طریقہ نہیں، لاؤ چادر ہم پہلے ہم دعا کرائیں گے۔ یہاں وہ نہیں ہے، یہاں چادر ہے وہ ہم چڑھوا دیتے ہیں، پھول ہے اپنے آپ ڈالو، عطر ہے وہ اپنے آپ ڈالو، یا کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی۔ کمرے فری میں ملتے ہیں، کھانا بھی ہے، سب کچھ ہے، بس۔ کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ بھائی یہ دینا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں امن امان رہے، ترقی کرے، آپس میں بھائی چارہ بنا رہے۔ ہر جیسے یہاں بھائی چارہ دکھاتے ہیں، ایسی ہر جگہ پہ یہی بھائی چارہ دکھائیں۔ چونکہ پانی پت کا اتہاس ہمیشہ سے رہا ہے، جی ہاں جی، ایسے میں اب پانی پت والوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ پانی پت کا تو یہی کہ پانی پت میں تو ماشاء اللہ اللہ بزرگوں کا کلندر صاحب کا تس آیا کہ یہاں پر سب، کیونکہ یہاں پر انڈسٹریس ایریا ہے، ساری لیبر باہر کی ہے، تو لیبر بنگال بہار یا کہاں کہاں کے لیبر سب فیکٹریوں کرنا اتفاق پیار محبت مالکوں کے ساتھ کریں، یہاں کوئی ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، یہاں جتنے اتفاق پیار سے محبت سے رہتے ہیں کہیں اور نہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا شمارہ آج یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نورانی خبریں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی اسے سبسکرائب کریں۔ تو چلیے، آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔